छोटे तुझे कितनी बार बोला है स्कूटर चलाया कर, उड़ाया मत कर, देख क्या हाल कर दिया मेरा। अरे पाजी आप भी बच्चों की तरह रोते रहते हो, छोटी सी तो चोट है। लेकिन छोटे, ओ पाजी अब ये लेकिन वेकिन छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, इतने सालों बाद जो हम पटियाला जा रहे हैं वहाँ हमें थोड़ी इज्जत सिज्जत मिलेगी या जैसे हमें कुत्ते भी भाव नहीं देते थे दिल्ली में वैसी हालत रहेगी? नहीं नहीं छोटे, हम जहाँ जा रहे हैं ना वो हमारा अपना घर है, कोई भाड़े का घर नहीं, और इज्जत मिली तो अच्छा है, और अगर ना मिली तो? और ना मिले तो? ना मिली तो उससे हमें सीख मिलेगी कि इज्जत कमानी पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखना छोटे, जिंदगी एक सौत है, सच्चाई सिर्फ मौत है। हाँ पता है पाजी। अरे पाजी क्या कर रहे हो, मानोगे नहीं अभी भी उसी परजाई की फोटो से चिपके हुए हो जो तुम्हें बीच चौराहे में रोता हुआ छोड़ के चली गई थी। ऐसा नहीं है छोटे, और अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ, और तू तो तलाक के बाद भी अपनी बीवी के साथ फोन पर लगा रहता है। ओ पाजी बात तो करनी ही पड़ेगी ना, जब तक 1 करोड़ रुपया एलुमिनी का नहीं दे देता ना तब तक उसे बहला फुसला के रखना पड़ेगा। लेकिन छोटे ये तो पाजी, अरे क्या कर रहा है छोटे, मेरा हाथ। ओए एलके, हाँ पाजी आप यहाँ? ओए मैं तनु बोला था ना मेरा पैसा दिए बगैर परदेसी जाना नहीं। ओ पाजी मैं शहर छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरी ना पटियाले वाली बीजी बहुत बीमार है, 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। ओए मैनू वो सब नहीं पता, मेरा पैसा दे दे नहीं तो कूट कूट के तेरा मैं वो हाल कर दूंगा, तू जो है भैया तुझको कंगाल कर दूंगा। ओ पाजी 3-4 दिन वेट कर लो, मैं वापस आके देता हूँ ना पैसे, हमारी बीजी के पास ना बहुत पैसे हैं। वो ठीक है मैं खुद आ जाऊंगा पैसे लेने पटियाले, आज शाम के 7 बजे तूने मेरा पैसा नहीं दिया ना फिर देख, दे देना मेरा पैसा, दे देना। ओए छोड़े कौन था? ओ कुछ नहीं पाजी, वो अपना दिल्ली का दोस्त था, इमोशनल हो रहा था बेचारा। इमोशनल क्यों? वो आते उसे बाय नहीं बोला ना। सुबह हो गई क्या? ओ पाजी सुबह ही तो निकले थे। तो क्या रात हो गई? अरे पाजी कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ तो मुझे उठाया क्यों? हमने कहा उठाया। जॉनी पाजी आप ना सो जाओ। सो जाऊं? हाँ चलो मैं सो जाता हूँ। हाँ, जाओ चले चले। ओए मंगल मेरे यार, मौसम के घुमार मेरे पहले पहले प्यार, सुन एक बहुत जरूरी काम है तेरे से, मैं जो ट्रक है ना उसमें एक बड़ा सोफा भिजवा रहा हूँ वापस। हाँ उस सोफे को बेच के जो भी पैसा आए वो शाम 6 बजे तक मेरे मोबाइल वॉलेट में ट्रांसफर कर देना। हाँ हाँ नहीं नहीं इसमें तेरे को कमीशन नहीं मिलेगा, चल बाय। अजी हाँ आप अकेले, बीजी कहाँ? लो जी आ गई जी बीजी। वेलकम होम पुत्र। जिंदा रहे पुत्र। बीजी वो ओ, वो लंबी कहानी है बीजी, मैं बाद में सुनाता हूँ। ठीक है पर एकी बीवी बच्चे नहीं आए? बीजी दरअसल आ जाएंगे वो भी 4-5 साल बाद जब हमारी शादी होगी। की कुंवारे हो दोनों? हाँ जी बचपन से। ओए सुखे पुत्र आरती की थाली लेके आ। आगी जी आगी मेरी सुखी सुखी आप उतर आ। अरे बीजी ये सब की क्या जरूरत है? ले जरूरत क्यों नहीं है पुत्र, अरे देखो तुम दोनों के कुंवारेपन वाली बात सुन के ये थाली का दिया मुआ कैसे टिमटिमाने लगा है, और ये मुई थाली भी ऐसे इतरा रही है जैसे इसे ही तुम दोनों से ब्याह करना हो। एक मिनट इधर ला। ओए मुई मर जानी थाली है, खबरदार जो इनके कुंवारेपन वाली बात तेरी और मेरे बीच से लीक हुई।
उठा देख मारूंगी पड़ोसियों के यहाँ, मांजेंगे नहीं तुझे महीने महीने भर, आई समझ में? ये ले पुत्र, कर आरती। अरे भाई साडा भी कोई सम्मान है, परंपरा है, घराना है। हमारे बापा जी पटियाला के महाराज के यहाँ मुनीम हुआ करते थे, और तुआडिया बीजी पटियाला नारी मुक्ति मोर्चा दी लीडर और इकलौते मेंबर है। वाह वाह पाजी वाह, मैं ना कहता था कि बीजी को देखते मैं समझ गया था किसी रॉयल खानदान से हैं। क्या बात है बीजी, क्या पर बीजी ये क्या है, ये आरती की थाली इतनी सुनी कैसे? रख दो 15-20 हजार रुपए शगुन के। छोटे, अरे पाजी क्या बात कर रहे हो, बीजी का भी कोई घराना है, संस्कार है, पजामा परंपरा है, ऐसे थोड़ी। रख दो बीजी 15-20 हजार। ऐसा है आर के पुत्र, ये 20 हजार में एक जीरो काम पड़ रही है, अभी 2 हजार से ही काम चला लेते हैं। आला पुत्र। ओ कोई बात नहीं बीजी, जीरो में बाद में लगा लूंगा, अपना व्यवहार चलते रहना चाहिए। ये ले आर के पुत्र, मेरे हाथ से मुंह मीठा कर, फिर तो सारी जिंदगी सुखी तेरा मुंह मीठा कराएगी। मतलब ये मायके में रहने वाली है क्या, ससुराल ही जाएंगी? मैंने इसकी शादी कहाँ की अभी तक? अच्छा छोड़ो। अच्छा बीजी मैं ये कह रहा था कि हमारे घर की सफाई करवा दी आपने? हाँ जी हो गई सफाई, तो 2 महीने पहले 2 चोर घुसे थे आपके घर में, सारा घर अच्छे से साफ करके गए। बड़ा जोक। ओए मुईमर जानिए, ये जो जोक है ना तेरे, रेडियो वाले एफएम पे जाके सुनाना। जब से रेडियो वाली जोकी बनी है ना, ऐसे ऐसे जोक मारती है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। अच्छा जोक मारा था? ओ मेरे दूर की भतीजी है, और साथ में ये जो दूसरी है उसकी सहेली है शीला। नमस्ते, पटियाला एफएम में आपका स्वागत है, मैं आपकी अपनी आरजे सुमन और ये है शीला। हाँ ठीक है ठीक है। बीजी मैं ये कह रहा था घर की सफाई करवा दी थी क्या आपने? वैसे सफाई तो मैं खुद ही कर लेती, लेकिन उमर, इस उम्र में मैं शेर से भी लड़ जाऊं, पर क्या है कि मुझे चूहों से थोड़ा डर लगता है। जैसे ही कमरे में जाती हूँ, मुंह में मुझे देखते ही ऐसे कौरने लगते हैं। चूहे? हराम। क्या है? हाय राम। सॉरी सॉरी। आपका है सारी बोल रहे हैं। आपका गलती नहीं है। वैसे हम सिंदूरी, अब से ना खाना पकाने का, साफ सफाई का सारा काम हम ही देखेंगे। कहाँ? यहाँ खड़े हैं तो यहीं का ना बात करेंगे। एक मिनट। मेरे पास बहुत दिमाग है और मैं बहुत समझदार हूँ। लोग मेरी मिसाल देते हैं। बीजी अभी यहीं थी, लेकिन वो दिल्ली की बात करनी थी और पूछ रही थी दिल्ली का क्या हाल है। पूछ रही थी खाली? तो तुम भी मुझसे पूछना चाह रही हो? हम का पूछना चाहते हैं? यही दिल्ली के बारे में। अरे हम तो ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे हम तो भुला गए, बताओ। नहीं नहीं मैं याद दिलाता हूँ ना। आप तो रहने ही दो, लाओ दो झाड़ू दो हमको। इतना दिन से हम बोलना चाहते थे मगर कौनो मिला ही नहीं, अब जॉन मिला है। जॉन नहीं, जॉनी। ये तो हमको बोलने ही नहीं देता। अच्छा सुन प्रभु, ना 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 ला 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 ला। खड़ी खड़ी शर्मा क्या हो रही है, कुछ बोलना है बोल। बीजी ये पराठे में बटर को ब्यूटी क्रीम की तरह क्यों लगा रही हो, इसके बिना भी खूबसूरती दिख रही है। सुखी पुत्र, जिस पराठे से मक्खन या घी टपके ना ना, वो पराठा पंजाबी पराठा नहीं होता। अरे भाई साडा भी कोई सम्मान है, परंपरा है, घराना है। हमारे बापा जी पटियाले महाराज के यहाँ मुनीम थे पता है, और तुहाडी बीजी पटियाला नारी मुक्ति मोर्चा की लीडर है और इकलौती मेंबर भी, ये भी पता है। पर बीजी एक गल नहीं पता कि एलके मेरा मतलब दोनों मुंडे पटियाले क्या करने आए हैं? दोनों कहाँ आए हैं? आया तो वड्डे वाला है।
छोटे वाला तो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उसका पिछला गु है। ये पूछ बड़े वाला क्यों आया है? क्यों आया है? उसकी नौकरी लगी है पटियाला यूनिवर्सिटी में, बड़ा प्रोफेसर है, विद्वान है। तुसी सुने नहीं कितनी बड़ी बात कही है उसने, जिंदगी एक सौत है, सच्चाई सिर्फ मौत है। पीजी, वो एलके ने कोई सही से बात नहीं की? छोटे वाले को कुछ आएगा तो कहेगा ना, ले जाके दिया। ये ऊपर वाले चार पराठे हैं ना मक्खन से पुते हुए, ये आरके को जाके देना, कहना तूने अपने हाथों से बनाया। और जो नीचे वाले दो पराठे हैं ना छोटे छोटे जले हुए, ये एलके को जाके देना, कहना बीजी ने बनाए उनसे जल गए, समझ गई? हाँ बीजी, ये तो नाइंसाफी होगी, छोटे वाले को दो ही पराठे, वो भी सादे वाले। सुखी पुत्र, छोटे वाले के लिए यही ठीक है, जा दिया। और खबरदार जो वहां जाके शर्माई तो। ये खुशखबरी सुखी के डैडी जी को दे देती हूँ, एक मिनट। हेलो पटियाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप ध्यान से सुनिए, यहाँ ना बहुत सारे चूहे बहुत सारे आ गए हैं। इससे पहले कि इन चूहों की दहशत पूरे पटियाला में फैल जाए और लोगों के घर घर तक प्लेग पहुंच जाए, आप जल्दी से आके इन चूहों को गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन ये बताइए कि पर चूहा आप मुझे कितने पैसे देंगे? झूठे, तू चूहों का सौदा कर रहा है ना, फोन दे। नहीं नहीं पाजी, आप पे शोभा नहीं देता, पर आपकी बेल्ट कहाँ है? देख तू टॉपिक चेंज मत कर, फोन दे। अरे पाजी, ओ पाजी क्या किया आपने, म्यूनिसिपलिटी वालों से अच्छी खासी डील फाइनल हो रही थी मेरी, आपकी बेल्ट कहाँ है? पाजी मैं कह रहा था अगर म्यूनिसिपलिटी वाले यहाँ आते ना, सारे चूहे पकड़ के ले जाते और ऊपर से पैसे भी दे के जाते। लेकिन पाजी आप बिना कभी कभी सच्चाई का गाना गाने के चक्कर में नुकसान करवा देते हो। अब बताओ आप ये चूहे के हमारे कहने से जाएंगे यहाँ से? भागे तो अच्छा है, और नहीं भागे तो? नहीं भागे तो? नहीं भागे तो उससे हमें ये सीख मिलेगी कि हमें उन्हें भगाने के लिए बांसुरी वाले को बुलाना पड़ेगा। अरे तूने वो हैमलिन के बांसुरी वाले की कहानी नहीं सुनी? नहीं पाजी। सुन, नहीं शहर, इस सिचुएशन में मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। नहीं नहीं छोटे क्लाइमैक्स सुन ले। अरे पाजी क्लाइमैक्स मुझे पता है, जिंदगी एक सौत है, सच्चाई सिर्फ मौत है। किसकी? अरे बता दो किसकी? उधर से। अब तो बता दो किसकी? जॉनी पाजी आप यहाँ पर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। चूहे बाहर मैं अंदर। वो सोफा कहाँ गया अपना? कौन सा सोफा? अरे वही सोफा जो हम। ओ पाजी सोफे को छोड़ो, इन चूहों के बारे में सोचो, क्योंकि ये चूहे जो है ना ये बाहर भी कूद रहे हैं और पेट के अंदर भी कूद रहे हैं। उसका इंतजाम भी हो गया, मैं आपके लिए पराठे लेके आई हूँ। इसमें से जो चार बड़े वाले बटर वाले पराठे है ना, वो नहीं नहीं आपके लिए नहीं, वो आपके लिए। और उसके नीचे जो सादे वाले दो पराठे है वो इनके लिए। ऐसा क्यों? आप अंदर क्या कर रहे हो? नहीं नहीं बात को बदलने की कोशिश मत करो, मुझे ये बताओ इनको बटर वाले उनको बिना बटर के, ये भेदभाव क्यों? वो बीजी ने इनकी सेहत देखते हुए कहा था कि इनको बटर शटर से थोड़ा परहेज करना चाहिए। हाँ जी। वाह वाह, आप तो सुंदर के साथ समझदार भी हैं। देखा पाजी, ब्यूटी और ब्रेन का ऐसा फड़कता हुआ कॉम्बिनेशन मैंने तो कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, पर आप हैं बहुत कमाल की। आपके पास 2,000 रुपए होंगे? छोटे 400-500 रुपए ही होंगे। कोई बात नहीं, आप ये दे दीजिए, बाकी के मेरे 1,500 रुपए आप पे उधार रहे, आते जाते दे दीजिएगा। अभी लाके देती हूँ। ओके। छोटे तू आते ही शुरू हो गया। ओ पाजी उधारी तो ले रहा हूँ, बाद में लौटा दूंगा। और अगर नहीं लौटा है तो? पाजी अगर नहीं लौटा है तो उसे एक सीख मिलेगी कि किसी पे भी विश्वास करके पैसे नहीं देने चाहिए। अब पाजी ये सब बातें छोड़ो, आप देखो चूहों को बाद में निपटा लेंगे, पहले हम ये पराठे निपटा लेते हैं। ओके। भाई सुनो, एक पराठा मेरे पास रख लियो। हाँ चलो भाई उतरो। हम हाथ दे? तू तो रहने ही दे। ओ, पेट भर गया। लगता है पाजी पैसे लेने आ गए। नहीं नहीं दरवाजा मत खोलना। मैं तो प्लेट रखने जा रहा हूँ भाई। अच्छा जाओ। अरे जॉनी खोलो खोलो। अरे नहीं तुम दरवाजा नहीं खोल सकते। क्यों? चूहे मेहमानों को काट सकते हैं ना। दरवाजा खोलो जी, हम हैं आपके पड़ोसी। इनके लिए खोल दो। तो क्या चूहे इनको नहीं काटेंगे? काटने दो। क्या? नहीं मतलब इनको क्यों काटेंगे, पड़ोसी है ना, पड़ोसियों को तो चूहे पहचानते ही होंगे। अरे ऐसे कैसे पहचानते होंगे जॉनी। मैं जाके दरवाजा खोलो।
घर तो इतनी जल्दी क्लीन भी कर दिया आपने, हम तो हेल्प ही कराने आए थे जी। जल्दी बैठिए बैठिए। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, चूहेदानी। चूहे पकड़ने के लिए? नहीं जी, हाथी फंसाने के लिए। खीगल कर रही है सुमन, झूठ क्यों बोल रही है? घर में तो तू चूहा चूहा कर रही थी, यहाँ के हाथी हाथी कर रही है। मैं समझाती हूँ आप सबको, एक्चुअली ना हाथी साइज में बहुत बड़ा होता है, वो इसके अंदर नहीं आ सकता, ये छोटा सा है। शिलू, हाथी की चड्डी तो छोटी होती है ना, अगर हाथी की चड्डी इसमें घुस गई होगी तो वो लेने आ जाएगा। बड़ा जोक। हाँ जी हाँ, हो सकता है, पटियाला बड़ा शहर है जी, वहाँ हाथी चड्डी पहन के घूम सकता है, मॉडर्न जमाना है। आज मैंने सवेरे देखा जी, एक कुत्ता स्वेटर पहन के अपने मालिक को घुमा रहा था। पाजी हाँ? लगता है जॉनी पाजी को कंपनी मिल गई, अब हमारा सर नहीं फूटेगा। सही कहा। वैसे जी मैं कह रहा था, आपका नाम सुमन है ना जी? आप बहुत अच्छी है, और तो और आपका दिल भी कितना बड़ा है, मतलब जान न पहचान, और आप हम पे मेहरबान, ये चूहेदानी लेके आ गई। पड़ोसी है जी, पड़ोसी तो पड़ोसी के ही काम आता है ना जी। वैसे आप बड़े ऊंचे घराने से होंगी, अमीर घराने से है ना? नहीं जी, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, घर खर्चा चलाने के लिए भी नौकरी शौकरी करनी पड़ती है, कभी कभी कपड़े भी मेरे ही पहनती है। आए आए, ये तो बहुत ही गरीब है, ये मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती। वो आपके पीछे नहीं, वो तो उनके पीछे था, वो शायद पसंद आ गई होंगी। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है, किसी टीवी या फिल्म में है ना? नहीं नहीं, वैसे मेरा तो बहुत मन था, पर पापा जी ने मना कर देता, बोले आईने में शक्ल देखिए, बंदर जैसी है। नहीं नहीं, बंदरिया जैसी लगती हो ऐसा कहा होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, पाजी को कहा था, पापा जी ने उन्हें मना किया था। अच्छा, तो उनको मना किया तो आप मना क्यों हो गई? बचपन से ऐसा ही है, अब देखो पापा जी ने पाजी को एक बार एक लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया, फिर क्या था, पाजी को ऐसी डांट पड़ी ना, मैंने तो खुद ही लड़कियों के साथ घूमना बंद कर दिया, डांट सुनने की नौबत ही नहीं आई। अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली, मुझे तो लगता ही था कि आप बहुत समझदार होंगी। वाह, वेरी गुड। मैनू पता है, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको हीरोइन मैं बनाऊंगा और आपका पोर्टफोलियो मैं बनवाऊंगा। आप मेरा पोर्टफोलियो बनवाएंगे? अरे हाँ हाँ, और ऐसा जबरदस्त पोर्टफोलियो बनवाऊंगा कि दिखाते ही आपको काम मिल जाए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। लेकिन वो पोर्टफोलियो के लिए ना थोड़ा सा खर्चा होगा, बस 5,000 रुपए दे दीजिए मुझे। उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, बाकी 3,000 आप आते जाते दे दीजिएगा, वैसे भी आप कहाँ भागी जा रही हैं। हाँ मैं कहाँ भागने वाली हूँ, मैं आपको 2,000 रुपए दे दूंगी। हाँ। आप तो बहुत अच्छे हैं जी, आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? आपने अभी तक इनकी अच्छाई देखी कहाँ है? किसकी मतलब? चूहा, मतलब चूहा, काटा इसने जोर से। क्या बाजी, भगा दिया? किसको? चूहे को। पाजी पाजी, ओ पाजी, अरे धुआं क्यों फैला रखा सुंदरी, इसमें मिर्ची भी डाली हुई है, बंद करो बंद करो। पाजी पाजी, बंद तो मैं करके आऊं सारे चूहों के बिल। छोटे छोटे अब्बा जी। क्या ये छोटे, ये देख इसमें 2 चूहे फंस गए। सुमन जी का आइडिया ना बड़ा सक्सेसफुल था, मैं काम करता हूँ, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा के आता हूँ और थैंक यू भी बोल के आता हूँ। चूहों को? सुमन जी को। ओ। वैसे छोटे, सुमन जी ना बड़ी कमाल की कुड़ी है। पाजी। अरे यार गलत दिशा में जा रहे हैं पाजी। छोटे, जॉनी पाजी, पाजी बचाओ, अरे बचाओ मुझे। अरे यार जॉनी पाजी, दोनों एक ही बात है। पर पाजी हाथ फंस कैसे गया? अरे छोटे सवाल बाद में कर, पहले मेरा हाथ तो बाहर निकाल। हाँ
इतने बड़े आदमी का हाथ ऐसी चूहेदानी में फंस गया, हाँ ये शोभा देता है क्या? खींचो। पुत्र, पर ये सब हुआ कैसे? अरे बीजी, पिंजरे में से ना एक चूहा बाहर निकलने को तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा अपना हाथ डाल के उसे बाहर निकाल लेता हूँ। वो तो निकल गया लेकिन मेरा हाथ फंस गया। मैं तो कहती हूँ पुत्र, जान बची तो लाखों पाए, जब चूहे दानी से बाहर हाथ सही सलामत आए। चलो 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 गुड़िया चलो। इतने पैसे मेरे पास, 4,500। अब मैं 41,500 रुपए और कहां से लाऊंगा?